मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी TMPS ऑनलाइन क्लास एंड ऑल्सो वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास. टुडे वी विल स्टार्ट अप विद अ न्यू चैप्टर दैट इज GUI ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन. सी ऑन द स्क्रीन इट इज गिवेन GUI. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? ओके, आई विल टेल यू. GUI means graphical user interface. Graphical user interface क्या है? हमारा operating system है, ठीक है. It is an operating system. Now in this chapter we will learn its features, the advantages, the examples of GUI, many more things. Okay, let us start with the chapter. Now operating system. What is an operating system? Operating system is a software that enables computer to understand the computer. Operating system क्या है? एक software है जो computer को हमारी languages में, जो means computer को और user के बीच में gap, means जो भी computer का command होता है और जो भी user होता है उसके बीच में जो gap होता है, जो भी आप user command देता है, जो भी instruction computer को करना होता है, जो भी डेटा उसको देने होते हैं, तो वो किसको देना होता है? यूज़र को. देर आर टू टाइप्स ऑफ यूज़र, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ओके, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मींस इट इज़ रिलेटेड विद ग्राफिक्स, पिक्चर्स, पिक्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है. और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस आपके टेक्स्ट से, वर्ड से रिलेटेड होता है. ओके, इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स. मीन्स यूज़र का काम क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में गैप मेंटेन करना. मीन्स जो कंप्यूटर जो भी कमांड अंडरस्टैंड करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन वो लेता है, वो किससे, किसके थ्रू लेता है? यूज़र के थ्रू लेता है. इट कंट्रोल्स एंड मैनेजर्स द कंप्यूटर वर्क. और यूज़र का काम क्या होता है? कंप्यूटर का जो भी वर्क होता है, जो भी मैनेजमेंट होता है. हमारे स्कूल में भी मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट कौन देखता है? प्रिंसिपल मैम देखती हैं, HM मैम देखती हैं, isn't it? In the same way, computer manages means operating system जो होता है वो मैनेज करता है कंप्यूटर को. ओके, नाउ सी ऑन द स्क्रीन देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर कंप्यूटर. फर्स्ट इज MS विंडोज, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. सेकेंड इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. थर्ड इज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द फोर्थ इज बॉस. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बॉस? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन. बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन. एंड इट इज़ द मोस्ट यूज्ड, मोस्टली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत यूज्ड होता है. नाउ कॉमनली बॉस इज यूज्ड. ओके, नाउ MS विंडोज 2010. हु डेवलप्ड MS विंडोज 2010? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इन 1994 में हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या हुआ था? इंट्रोड्यूस हुआ था. बाय होम? माइक्रोसॉफ्ट. ओके, एंड पिनिंग इज़ अ फीचर. सी पिनिंग इज़ अ फीचर दैट इनेबल्स यू टू पिन एप्स, फाइल्स, सेटिंग एंड प्रोग्राम्स टू स्टार्ट मेन्यू. दिस मीन्स दैट यू कैन ऑलवेज हैव अ शॉर्टकट विथ ईजी रीच. मीन्स हमारे विंडोज़ 10 में, बट आपके कंप्यूटर लैब में कौन सा सॉफ्टवेयर डला है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ 7. नाउ लेटेस्ट जो यूज़ हो रहा है, अब जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है? विंडोज़ 10. नाउ सी हियर, विलियम बिल्स एच गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन. विंडोज़ वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. ओके, किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था. नोट डाउन इन योर कॉपी समवेयर दैट विलियम बिल एच गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन. विंडोज़ वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट इन 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था. ओके, एंड विंडोज़ 10 सबसे लेटेस्ट वर्जन है. इफ़ द क्वेश्चन आज विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़, विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 2015.
and it is commonly used in your PC, means personal computer, laptops, सब जगह ये use होता है. Okay? Now come to starting up Windows. Starting up को हम और क्या बोलते हैं? Booting. What do you mean by starting up? Booting. जब भी आपका computer startup होता है, जब भी open होता है, तो एक round round wheel घूमता है. That is known as booting. When you switch on the computer, there is Windows startup screen and this is your user account, जहाँ पे आपको अपना password डालना होता है. When you entered your password, ये screen खुल के आती है. See, the desktop screen will show up. Desktop screen खुल के आएगी, आपका left sides में icons होंगे and the main side, the main desktop is showing on your computer. सबसे पहला step क्या था? First, पहला, your user account should be logged up, means user account पे आप click करेंगे, then you have to type the password. जैसे ही आप password type करेंगे, तो वहाँ पे आपका okay आएगा या तो enter आएगा. And whenever you press the enter key or arrow key, the new desktop screen will appear like this. Okay? See, it is showing, isn't it? ये आपका क्या कहलाता है? Desktop. After booting, after starting up. See, on the left side, icons are given, isn't it? In the below line, taskbar is given. Everything is given on your screen. See how it looks. And जो आपका screen के पीछे show हो रहा है, that is Windows. Now, the background picture is called the wallpaper. We can change the wallpaper as per our choice. Okay? In the desktop, you have seen the wallpaper, means अपना wallpaper कुछ भी change कर सकते हैं. जैसे आप mobile में wallpaper change करते हैं ना, वैसे आप desktop का भी wallpaper चेंज कर सकते हैं एज पर योर चॉइस. मीन्स अपनी आप फोटो लगा सकते हैं, इट विल बी योर स्क्रीन, इट विल बी योर सीनरी, एनीथिंग. ओके, तो डेस्कटॉप इज लाइक योर मोबाइल. मीन्स जैसे आप मोबाइल पे चेंज करते हो, वैसे आप डेस्कटॉप पे भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ओके, अंडरस्टूड दिस मच? ओके, फ्रॉम फर्दर क्लास वी विल लर्न सम मोर टॉपिक्स. ओके, नाउ टूडे this much is enough for you all. Please go through the video once again, revise all the points and watch the video carefully. And don't forget to click the bell icon, like, share and subscribe the channel. Thank you so much, class.